एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर है, आपका बाहर भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर वाली चीज़ों को ऐसे ही अवॉइड करना है। हल्का सुसुम टाइप के सुसुम पानी का सेवन खूब करें। सुसुम पानी का सेवन तो ऐसे ही बाकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सुसुम खाने का ही यूज़ करें, ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा को अवॉइड करना चाहिए। और जो डेंटिस्ट्री की बात जहाँ तक बात है, डेंटिस्ट्री में इतनी सेंसिटिविटी के पेशेंट्स आते हैं, दांत कनकना रहा है, दांत में सिहरन हो रही है, तो कोल्ड वेदर में और ठंड में तो ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। आज हम हैं उत्तर बिहार के सबसे बड़े, कहे तो उसमें कोई दो राय नहीं होगी, डॉक्टर गौरव वर्मा हैं और ये जो है सो मैक्सिलो फेसियल सर्जन है। और हम चाहेंगे कि सर सबसे पहले अपना खुद परिचय दें। मैं नाम डॉक्टर गौरव वर्मा हुआ, मैक्सिलो फेसियल सर्जन हूँ और प्रैक्टिस यही मुजफ्फरपुर में करता हूँ। तो अभी सर ठंड के दिनों में मतलब दांत से जुड़ा हुआ ये जो जबड़ा वगैरह है इससे जुड़ा हुआ और एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से देखते हैं कि आए दिन आपके यहाँ। देखिए, मैं पेशे से ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ, तो हमारे पास जो ब्रेड एंड बटर ऑफ आवर प्रैक्टिस जिसको बोला जाता है वो हमारा अभी ट्रॉमा ही है जी। तो ट्रॉमा और कैंसर सर्जरी जो होती है उसमें भी ट्रॉमा सर्जरी इतनी ज़्यादा ठंड के सीजन में बढ़ जाता है कि रूटीन केसेस जो हमारा है उसमें 90% ऑक्यूपेंसी ट्रॉमा पेशेंट्स का ही पाया जाता है। कुहासे में ठंड के, जैसे ठंड हमारा बढ़ता है, कुहासा और कोहरा स्मोक फॉग स्टार्ट हो जाता है तो उस समय इतना ज़्यादा एक्सीडेंट पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, इतने ज़्यादा एक्सीडेंट पेशेंट्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, इसके केसेज इतने बढ़ जाते हैं कि हम लोग उसी में बिजी रह जाते हैं। तो एहतियात, इस ऐसे मौसम में आदमी को ध्यान रखना चाहिए कि एक्सीडेंट से बड़ी दूर की यात्राएँ जो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि लॉन्ग राइडिंग का, ऐसे सीजन्स में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और देख के जाना चाहिए कि भाई उस तरफ कुहासे का क्या कंडीशन है। तो अभी कुहासे के कारण एक्सीडेंट्स बहुत, खासकर अर्ली मॉर्निंग में जो ड्राइव कर रहा है उसको हल्की सी झपकी आ जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है, पता नहीं चलता पीछे कितनी गाड़ी चल रही है, आगे कितनी गाड़ी चल रही है। तो एक्सीडेंट से बचना है, बाकी जो रूटीन हेलमेट्स वगैरह का, अगर बाइकर्स हैं तो हेलमेट का यूज़ करना है जी। तो एक्सीडेंट से बचना। और जो डेंटिस्ट्री की बात जहाँ तक बात है, डेंटिस्ट्री में इतनी सेंसिटिविटी के पेशेंट्स आते हैं, दांत कनकना रहा है, दांत में सिहरन हो रही है, तो कोल्ड वेदर में और ठंड में तो ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो बस यही सब है हमारे प्रैक्टिस के। अच्छा सर, जैसे अभी हम खुद सुने जो आदमी नॉर्मल थे, उनके दांत में किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठंड में ये दर्द वगैरह बढ़ जाता है, जैसा कि आप कह रहे हैं सेंसेशन वगैरह सेंसिटिव बढ़ जाते हैं। हाँ, वो तो उसके लिए आपको आपको एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर है, आपका बाहर भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर वाली चीज़ों को ऐसे ही अवॉइड करना है। उस टाइम कोई भी एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर इज हैजार्डस टू हेल्थ और डेथ। तो ठंडी चीज़ों को क्या क्या चीज़ लोगों को नहीं खाना चाहिए ठंड में? देखिए, अब ठंड में तो अब बोला जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो जिनको अवॉइड करना है, जो ठंडी ज़्यादा करें, जो ठंड से ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, उन सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो हल्का सुसुम टाइप के सुसुम पानी का सेवन खूब करें। सुसुम पानी का सेवन तो ऐसे ही बाकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सुसुम खाने का ही यूज़ करें, ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा को अवॉइड करना चाहिए। तो आशा करते हैं आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो सर का पता है जूरन छपरा रोड नंबर 3, यहाँ पे आके आप लोगों को दांत से और जबरे वगैरह का, मैं सरल भाषा में बोलूँ तो जबरा वगैरह जो है उससे रिलेटेड किसी तरह का, जैसे एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हो गया, टूट गया, डिसलोकेट हो गया, तो वो सब का रिपेयर सर करते हैं। तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं उस तरह का, और दांत से जुड़ा हुआ कितना भी गंभीर बीमारी हो उसके लिए भी आप आ सकते हैं। अभी आपको दिखलाएंगे बाहर में कितना ज़्यादा भीड़ है, और सर और भी कई सारे हॉस्पिटल्स में जाते हैं ऑन कॉल, तो आप लोग यहाँ आइए और सर का सेवा लीजिए। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।